आज मैं सोच रहा हूँ अपना दिन रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक शूट के लिए। VH1 का शूट है, वो अपन बचपन में म्यूजिक सुनते थे ना, हो जाएगा उसका शूट है, और इसलिए हम जा रहे हैं। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आने वाले वहाँ पे, तो सोचा शूट कर लेता हूँ। घर में काम चल रहा है रेनोवेशन का, शाम को दिखाऊंगा तुम लोगों को ब्लॉग के एंड में कि कितना हुआ है, क्या सीन है। अभी तो जाते हैं, गेम स्ट्रेंज भाई है ना अपने, वो बाजू में ही रहते मेरे, तो वो आ रहे हैं मेरे को पिकअप करने के लिए। ये चैट, लेकिन छोटा सा ही विषय है कि भाई मैंने बाल नहीं काटे, तो डेंजर नहीं लग रहे ना बाल मेरे? बताओ आगे जरा। अभी हम लोग का शूट चालू होने वाला है, तो उसके लिए भाई मेकअप कर रहे हैं। मेरे फेस पे पहली बार मेकअप लगाने वाले, पहली बार। वो लाइट चालू करो ना, लास्ट बटन। कितने जो है, हाँ हाँ हाँ, अरे क्या बोलते टुष्टी भाई, भाई फुल एकदम शो वाला। टुष्टी भाई को देखो, टुष्टी भाई को देखो, बाल एकदम ऐसा खड़े हैं, मेरे वैलोरेंट रैंक की तरह ऊपर ही जा रहे हैं। भाई मेरे बाल बहुत पतले हैं ना। नहीं ठीक है, नहीं आप बताओ भाई, मेरा क्या फोरहेड ज्यादा बड़ा है? नहीं नहीं ना, देख रहे हो बिग ब्रेनर नहीं है तो। अरे नहीं, सब चिढ़ाते रहते भाई, तीन ग्रिमस्टोन के स्मोक्स में हो जाएगा इधर साइड का हुआ था। अच्छा, वो ग्रिमस्टोन नहीं कहता। अभी ब्लॉग को दिखाएंगे फुल सेटअप किए ले भाई शूट के लिए, डेंजर। बता दो अच्छे से, ये क्या मार रहे भाई? ये मूज लगा रहा हूं। मूज इसे क्या वायरस लगा खाना पड़ता है, मूज खाते हैं ना। ये क्या है, वो हाथ में तो नहीं खा ले, दाड़ी वाड़ी नहीं करोगे ना? एक्चुअली मीडिया लेना चाहिए आयरन के लिए, ऐसा लगाना पड़ता है। अच्छा भाई, कभी किए नहीं ना तो? अरे कोई नहीं, करा टेंशन आ रहा है, पहले ही बाल कम चल देंगे इतने। नहीं, ये देखो, ये देखने वाले ना मेरे को, वो मेरे को चिढ़ाते भाई, बोलते टकला होने वाला है, ये टकला होने वाला है। नहीं नहीं, मेरी उम्र बताओ आप कितनी रहेगी? मेरी उम्र, इसकी उम्र क्या रहेगी? क्या बात है, 26-27 बोलती है भाई, मैं 21 साल का हूँ। अच्छा, अभी मेरे को बहुत बुड्ढा लगा हुआ है, एकदम डेंजर। अभी मेरे बालों में इतनी चीजें लगी कि क्या? तुम्हारे बाल पहले से डेंजर है भाई, मेरे पहले से डेंजर है। हां नहीं नहीं, और नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मेरा नहीं लगेगा ना यार, बाल बाल क्यों नहीं बना के भाई? ये देखो, नहीं गिरा है, दा हा हा, वो मेरा थोड़ा विषय है बालों का, बाकी कुछ नहीं, तेल था सब कुछ। मेरा हो चुका है एकदम भाई, तुम्हारा ड्रिप्ट आउट है, धीरे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे शूट चल रहा है। ये देखो, इधर टोस्टी भाई का शूट चल रहा है फिलहाल, शूट चालू हो रहा है हमारा, माइक पहना रहे, ये हमारा बैकड्रॉप है, इधर बैठ के हमारा शूट हो रहा है मजबूत। माँ कसम, नहीं ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये सारा डेंजर शूट का। अपन क्या अपने कैमरा पे रहता है, इतना बंटन के पहली बार। हेलो गेमिंग कम्युनिटी, वेलकम टू VH1 अनलिस्ट, दिस इज हर्ष खिलराय, योर गेमर गाइड फॉर टुडे, एंड दिस विल बी द लॉबी वेयर फ्रॉम द टॉक्स ऑफ गेम्स टू इट्स एक्सपीरियंस एंड द एसेसरीज, एवरीथिंग, आई रिपीट, एवरीथिंग विल बी अनलिस्ट। द ओनली स्ट्रेटजी आई यूज इज माय पावर, ऑल टाइम फेवरेट गेम एंड व्हाई, definitely Assassin's Creed. What's your favorite snack to munch on while gaming? Aloo bhujia. I've always wanted, since the very beginning, I wanted to entertain the audience. And with mouse pad, I prefer a hard surface mouse. It is a control type mouse because I'm a high sensitive player. Stay tuned for the walkthrough. This was it. Stay tuned for the walkthrough. अभी गेम स्ट्रेंज भाई का टाइम है, उनको समझा रहे शॉट भाई। मैंने 1000 कट लिए, लेकिन कर लिया, मेरा हो गया, फट से हो गया, मेरा शूट हो चुका है दोस्तों, एकदम वन टेक्स पे, वन टेक्स दिए, बस वो वन टेक में ना 50 और टेक थे। थोड़ा विषय था, कैसा हो रहा था मालूम, कि वो अपन टेक ले रहे और फिर वो लोग ऐसा है ना, मतलब कट होने पे थोड़ा है ना भाई, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जा रहा था, लेकिन हो गया भाई फटते। वो दीदी बोली कि आपने बहुत अच्छा किया, एनर्जेटिक था, तेरे को ऐसा बोली, आर्टिस्ट से बेटर किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को लगा कि वो अपने को बूस्ट करने के लिए कि हाँ निकलो, बहुत अच्छा किया, पर निकलो अभी वापस। नहीं, मेरे को जेन्युइनली बोली, यू आर कॉन्फिडेंस वाज एनर्जी वाज थ्रू आउट द सीन।
मैं बोला आओ फिर स्ट्रीम पे कभी। और ये भाई ने मेरे बाल बनाए इतने मजबूत, भाई के बाल ही खुद एकदम डेंजर है। अभी बिली भाई के बनाए, बिली भाई का तो तुम्हारी नहीं कर रहा था भाई। भाई आपका नाम बताओ। तौफीक अंसारी। तौफीक भाई, तौफीक भाई के बाल माँ कसम, ये सब लोग चिढ़ाते मेरे को फोरहेड के बारे में। फोरहेड भाई बोले एकदम परफेक्ट है तुम्हारा, कुछ दिक्कत नहीं है। फोरहेड क्यों चिढ़ाते, मतलब ज्यादा बड़ा है? हाँ ऐसा बोलते भाई, बोलते क्रिकेट फील्ड है, आईपीएल होएगा नेक्स्ट सीजन का तो पता नहीं, बट फुटबॉल का तो मैं वही बोला, तीन ब्रिम के स्मोक लग जाएगी कवर करने को साइड। भाई विली भाई तो फुल, अरे माँ कसम हीरो। मजबूत पब्लिक दीवाने अच्छे से बताओ एक बार। ओरिस एक्विस, ओरिस एक्विस ये कितने का रहेगा भाई? 2,50,000 के आसपास। 2,50,000 बस, मतलब इससे सस्ते सस्ते वॉच पहन के आपको कैसा लगता है हाथ में? ये मेरे को हर्ष ने गिफ्ट। अरे बस क्या भाई, माँ कसम क्या इंडिया के उभरते हुए सुपरस्टार। मेरा वॉच बताओ कैसे भाई? एक नंबर क्लासिक जीशॉक, भारी ना क्लास जीशॉक ऑन टॉप। हरा वाला है क्या? हाँ हरा वाला है भाई, डिस्टॉर्टेड कुछ। तो भाइयों शूट सिर्फ हमारा नहीं था, इधर बहुत और दिग्गज सेलिब्रिटीज आई हुए हैं, जैसे ये चमन झिंगा है इसको जोड़ो, यहाँ पे प्लेग्राउंड के विनर आए थे पिंगू भाई। पिंगू भाई एकदम ड्रिप्ड आउट, एकदम पिंगू भाई को लास्ट टाइम जब मैं मिला था, पिंगू भाई बहुत ऐसे ये थे, चप्पी थे। अभी भाई का जॉ आ गया, जॉ लाइन मेरे से डेंजर। क्या वजह है? मैं इसलिए बोला हर्ष को कि भाई जिम जाएंगे साथ। एक बार फ्लेक्स कर। और दूसरा एक सेलिब्रिटी आया है जो अभी, जल्दी बताओ भाई तुम भी जा रहे क्या जिम? अबे ये सब दिखाने का है, मेरा भी आएगा। बताओ बताओ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता भाई तुझे। नहीं आ रहा दोस्तों, हमारे पास अभी प्लेग्राउंड की एक पब्लिक है, टोस्टी भाई, कुशल भाई और पिंगू भाई। ये तो बताओ पिंगू भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता अंदर? पहली बार का एहसास होता है बड़ा ट्रॉमा। अरे चुप हो जा भाई, दो मिनट चुप हो जा, बात कर। इतना मजा आया हर ट्रॉमा। अच्छा कुशल भाई तुम बताओ कैसा था एक्सपीरियंस? देखो मैं बताऊं, तुम वहां जाओगे ना, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाएगा। अच्छा तुम पहले बोलने से पहले कतराते होगे, तो वहां जाके हर बंदा बोलने लगता है, गूगा भी बोलने लगता है, वैसा सीन भाई। लेजिट क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे कर रहा था कंधे अंदर लेकर प्लेग्राउंड, तू के बाद ऐसे लेके बाहर आ रहा हूं। अभी देख छाती छोड़ी होगी, सोशल स्किल्स बढ़ जाते क्या तुम्हारे? हां लेजिट, तुम कहीं पे भी जाएगा लोग पूछेंगे। मेरे को देखो पूछना है, उधर मैटर करने के लिए बोलते है क्या? मैटर करने के लिए बोलते नहीं है, मतलब देखो तो क्या सिचुएशन देंगे। मैं बता दूं, चुप देख, जैसे तू और मैं बहुत अच्छे दोस्त है, ठीक है, तेरे को ऐसी सिचुएशन दे देंगे, तुम दोनों में कोई एक बंदा रहेगा शो में, ऐसा कर देंगे। मतलब बन जाती है सिचुएशन वैसे, वो सिचुएशन ऐसे क्रिएट नहीं होता है, इसके लिए ऐसा हुआ था बस। अब जैसे ये था, ये सबसे लड़ मार रहा था, बट इसने अच्छा बोला तेरे सॉरी साथ काट दी शो के अंदर, ठीक है, इन दोनों का डुओ सही चल रहा था, तो मेरे को सब लोग ने पूछा सबके सामने किसको निकालना चाहता है तुम, बोला कुशल को निकालूंगा पहले। वो मैटर हुए थे कुछ प्लेग्राउंड में, हाँ झापड़ जो मारा था, अबे रील नहीं क्या वो वायरल हुआ था? अच्छा मान वो भी आ रहा है, मेरे को मारता उसकी बुंडा बाड़ दे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन, तो वो जो मैटर होते अभी तुम लोग बाहर आ गए, तो अभी भी वो मैटर है उनके दोनों के? उनके मैटर रहेंगे भाई, हम तो सबसे प्यार इज्जत से, और तो प्यार इज्जत, और प्यार इज्जत मैंने तुम्हारे शॉर्ट्स देखे थे थोड़े डेंजर वाले, चल रहे चल रहे क्या बात है, चल रहा है। तीन बज चुके हैं, हमारा शूट एकदम मेजरिस्टिक हो चुका है, और सब लोगों का शूट, गेम फ्रिज भाई का तो शूट इतना परफेक्ट हुआ, क्या बताओ उनको इतना पसंद आया, उन्होंने तीन एपिसोड एक ही दिन में पूरी पिक्चर बना दी उन्होंने। कैसा वो लोग का रिएक्शन क्या था कैमरा जो होल्ड कर रहे थे? इतना एक्टिंग नहीं भाई, ऐसा ये हॉलीवुड में जगह तुम्हारी, इधर ऐसा बोल दिए। एक्चुअली एक्टिंग स्कूल जाता था। अच्छा कौन सा था? धर्मा। अबे मैं सिखाता हूँ, मैं एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ, तू दूसरों को सिखा के बता एक बार। भाई क्या ही एक्सपीरियंस था, क्या बताऊँ, मैंने इतना बड़ा शूट कभी नहीं किया था ऐसा। मैं तो सारा टेंशन में था कि मैंने यार बाल नहीं कटाए, मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था, बहुत लेजी हो गया था मैं, इसलिए मैंने बाल नहीं कटाए। पर भाई वहां पे तो मेरे को एकदम हीरो बना दी मैंने ना, फैमिली ग्रुप्स पे अपने शेयर किया है भाई एकदम,
तो सब लोग बोल रहे भाई प्राउड ऑफ यू वगैरह, उनको बहुत खुशी मिल रही है यार फैमिली वालों को, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा ऐसा मेकअप वगैरह करके शूट किया एकदम मेजरिस्टिक। अभी अपना सेटअप है ना भाई लोग कुछ इस तरह की जैसे दिख रहा है एकदम सब मतलब बिखरा पड़ा है डेंजर सा, क्योंकि अपने घर में चल रहा है रेनोवेशन, तुमको तो पता है ठक ठक आवाजें रहता है सिर्फ पूरे स्ट्रीम में। ये अपना हॉल ऐसा बना है, और मेरा जो पहले रूम था वो देखना है तुम लोग को अच्छे से दिखाऊंगा जब पूरा बन जाएगा, और एक वीडियो बनाऊंगा ऐसा रिवील सा, अभी एको कितना हो रहा है ना बस फिर तुमको मालूम वो दीदी बोल रही थी कि आपने बहुत एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दिया स्टार्ट टू एंड एकदम मेजरिस्टिक, तो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग, इफ यू डिड मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं अपन अगले व्लॉग में ऐसे ही, तब तक के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस क्लिप चैनल, बाय बाय।